प्रदेश सरकार द्वारा शराब की कीमतें कम करने के फैसले के खिलाफ डीवाईएफआई मुखर हो गई है। डीवाईएफआई ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस फैसले का विरोध किया और निर्णय वापस न लेने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। डीवाईएफआई के राज्य सचिव चंद्रकांत ने कहा कि एक ओर जहां प्रदेश के युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार शराब की कीमतें कम कर युवाओं को नशे में धकेलने लगी है। डीवाईएफआई ने सरकार से बेरोजगारी रजिस्टर बनाने को मांग की है, जिससे बेरोजगारों की संख्या का पता चल सके। इसके अलावा डीवाईएफआई ने छात्रों के लिए लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रखने, फीस कम करने की मांग की है, जिस पर सरकार गौर नहीं कर रही है। वहीं डीवाईएफआई ने एनआरसी और सीए लागू करने का भी विरोध किया है और केंद्र सरकार पर देश के लोगों को धर्म के आधार पर बांटने के आरोप लगाए। केंद्र सरकार संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है, जिसका डीवाईएफआई ने विरोध किया है। हमने आज के धरने के लिए एक सीधी तौर पर मांग दी है। हमने मांग दी है कि जो 1 अप्रैल से नेशनल पीपल रजिस्टर शुरू हो रहा है, उस नेशनल पीपल रजिस्टर का हम विरोध करते हैं और हम उसकी जगह चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर नेशनल बेरोजगारी रजिस्टर को लाया जाए, जिससे ये पता चले कि आखिरकार हिंदुस्तान की स्थिति असलियत में क्या है। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर जो सरकारें हैं या प्रदेश के अंदर जो सरकार है, उनका काम होना चाहिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार प्रोवाइड करना हर एक आम नागरिक के लिए, हर एक युवा के लिए, हर एक जनता के लिए। पर हिंदुस्तान की सरकारें अलग अलग दूरगामी फरमान ला करके हिंदुस्तान के अंदर ऐसी चीजें पेश कर रहे हैं जिससे धर्म जाति क्षेत्र समुदाय के नाम पर लोग लड़ रहे हैं और जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की मांग है उसको भूल चुके हैं। जिसका उदाहरण 2 दिन पहले आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर डिपो के अंदर तेल के दाम बढ़ गए, दालों के दाम बढ़ गए, प्याज 80 रुपए से पार हो गया, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। पर हिमाचल प्रदेश के अंदर शराब को रात को 2 बजे तक खुला रखने के लिए बार और ठेकों को और शराब को सस्ता करने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश का कैबिनेट बैठ के बोल रहा है कि ये होना चाहिए, शराब हिमाचल में सस्ती होनी चाहिए। हम इसमें पूछना चाहेंगे प्रदेश की सरकार से कि शराब पीने से हजारों घर परिवार बर्बाद होते हैं और शराब को बेचने वाला सिर्फ एक इंसान आगे की ओर बढ़ता है। इसका मतलब साफ है कि हिमाचल जैसे राज्य के अंदर आप शराब माफिया को या नशा माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम आज ये प्रदर्शन क्या कर रहे हैं कि नौजवान सभा जो हमारी डीवाईएफआई है वो मांग कर रही है कि 24x7 लाइब्रेरी होनी चाहिए। जो आप परीक्षाओं के अंदर लगातार धांधलियां कर रहे हैं, वो चाहे पटवारी परीक्षा हो, चाहे पुलिस की परीक्षा है, वो चाहे कोई भी परीक्षा, हर परीक्षा के अंदर धांधली हो रही है, उनको बंद किया जाए, स्थायी रोजगार दिया जाए। और जो आप हिंदुस्तान के अंदर नया एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आप धर्म जाति क्षेत्र के नाम पर बांटने की राजनीति कर रहे हैं, इसको बंद किया जाए और